नमस्कार दोस्तों, एसओएस सेगमेंट जो कि न्यूज इन साइंस चैनल का एक सेगमेंट है, उसमें आपका स्वागत है। आज हम एक नए मॉडल के साथ आपसे बात करेंगे और उस मॉडल को दिखाने का मकसद ये है कि हम ये जान पाएंगे कि हवाई जहाज भी हवा में कैसे उड़ता है। अलग से मॉडल से पहले मैं एक बताना चाहता हूं कि पेपर की एक स्ट्रिप भी आपके मॉडल का काम कर सकती है। पहले देखते हैं कि पेपर की स्ट्रिप से हम क्या कर सकते हैं और वो मॉडल किस वैज्ञानिक सिद्धांत के ऊपर ये काम करेगा। मैं पेपर की स्ट्रिप के ऊपर कुछ हवा मारता हूं, मुंह से फूंक मारता हूं। मेरे हवा के दबाव डालने के बावजूद भी पेपर की स्ट्रिप ऊपर उठती है। इसका यह मतलब है कि हम बर्नौलीज प्रिंसिपल की तरफ जा रहे हैं। मैंने हवा के दबाव को पेपर स्ट्रिप के ऊपर फूंक मारने से कम कर दिया और जो पेपर की स्ट्रिप के नीचे हवा का दबाव था उसने इसके ऊपर दबाव डाला और मेरे यहाँ फूंक मारने के बावजूद भी ये ऊपर उठी। इसका एक दूसरा एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, उसमें ज्यादा आनंद ले सकते हैं आप इसका। एक बॉल को कीप के अंदर, ये टेबल टेनिस की बॉल है और ये कीप है, इस कीप के अंदर रखिए। अगर आप इसको सक करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, तो बॉल कभी गिरेगी नहीं क्योंकि मैंने इसको सक किया। लेकिन क्या मैं इसके अंदर फूंक मारूंगा तो भी बॉल यहीं रहेगी या क्या होगा इसके साथ, पहले ये देखते हैं। बॉल को लगाया मैंने, मैं ब्लो करता हूं तो भी बॉल गिरेगी नहीं। जब तक मेरी फूंक इसके अंदर जाती रहेगी बॉल गिरेगी नहीं। इसका मतलब यह है कि जब मैं कीप फनल के अंदर फूंक मारता हूं तो बॉल के ऊपर वाली जगह से हवा का दबाव कम कर देता हूं और बॉल के जो नीचे हवा है वो इसके ऊपर प्रेशर डालती है और बॉल यही चिपकी रहती है। ये बिल्कुल बर्नौलीज प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करती है और इसी प्रिंसिपल के आधार पे उड़ते हैं हमारे हवाई जहाज। हवाई जहाज की अगर पंख को हम देखेंगे तो उसके ऊपर की जो सतह है वो बिल्कुल अलग तरीके की होती है, नीचे की सतह बिल्कुल अलग तरीके की होती है। जब रनवे पे हवाई जहाज दौड़ता है तो ऊपर वाली सतह से हवा का दबाव कम हो जाता है और नीचे हवा का दबाव ज़्यादा होता है और हवाई जहाज ऊपर उठता है। तो ये था आज का एक छोटा सा वर्किंग मॉडल जो एक्सप्लेन करता है बर्नौलीज प्रिंसिपल को। इसी सेगमेंट के अगले हिस्से में फिर आएंगे आपके पास एक नए मॉडल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।